नमस्ते। आज मैं शुरू के 3 महीने में जो जांचें होती हैं उस बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस समय कुछ सोनोग्राफीज होती है, कुछ खून की जांचें होती हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय आप अपने बच्चे के बारे में ये जान सकते हैं कि जो आने वाला बच्चा है वो जेनेटिकली सही है कि नहीं। क्योंकि कई बार जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होने के कारण बच्चा कम बुद्धि वाला एबनॉर्मल हो सकता है, और 11 से 12 हफ्ते में आप इस बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ले सकते हैं अगर ये टाइमली आप ये जांचें करा रहे हैं। लेकिन अगर ये समय निकल जाता है, अगर 13 हफ्ते क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर ये जांच नहीं करा सकते हैं। तो आपका ये बहुत ज़रूरी समय निकल जाता है। एक बार पता चल जाए कि बच्चा 70 से ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 3 महीने क्रॉस हो जाता है, 4th-5th महीने में आप पहली बार दिखाने आ रहे हैं और उस समय पता चल रहा है कि बच्चे में कुछ खराबी निकल रही है, जो कि आगे जाके बच्चे के लिए बहुत ही दिक्कत वाला है और नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में बहुत ज़रूरी होता है कि आप शुरू के टाइम पे सारी जांचें करा लें। इन जांचों में एक एंटी स्कैन होता है जो 11 से 13 हफ्ते के बीच होता है, जो बहुत ही ज़रूरी है, और एक डुअल मार्कर या डबल मार्कर होता है। ये दो जांच बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा करीब 6 हफ्ते के लगभग एक स्कैन होता है जिसमें बच्चे का धड़कन चेक हो जाता है और आपको ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चा ठीक है। उसका एक बार धड़कन आ जाता है तो नॉर्मली 97% केसेस में ये बच्चा बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर 6-6.5 हफ्ते तक भी अगर धड़कन नहीं मिल रहा है तो वो थोड़ी चिंता वाली बात होती है, और फिर डॉक्टर के पास आपको जानना रहेगा और वो आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में करना क्या है।